Let's begin. सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लेरिफाई कर दूं भैया, वांट टू स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स टुडे. इट इज कॉल्ड एज परमुटेशंस. And combinations. ठीक है बेटा, permutation combination हमारे maths के topic का सबसे ज्यादा essential हिस्सा है. ठीक है, पहले तो इस पर लिख लो. जो करे पापा से प्यार, आज फादर्स डे बेटा, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कभी ना करेगा. मतलब भाई इस टॉपिक से डरना नहीं. देखो टीचर जो है एक गुरु पिता के समान होता है, तो आप सारे मेरे बच्चे जैसे हो. तो भाई इसीलिए आप लोगों ने बिल्कुल इस टॉपिक से डरना नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने आज मुझे फादर्स डे विश करा, थैंक यू सो मच. बट आपको बता दूं, इस टॉपिक से इनकार नहीं करना, मतलब डरना नहीं. क्यों? ये टॉपिक ना एक्चुअली में बड़ा लॉजिकल सा टॉपिक है, तो बच्चा इसको करते आप डरना, बट आप डरना नहीं, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा जो आप लोगों ने इस टॉपिक में सीख कर उसको अप्लाई करना. नंबर वन. नंबर टू, अगर ये टॉपिक करोगे, अगर आपने प्लस वन में इसको करा हुआ तो भूल जाओ, समझो आप नहीं कराओ. ठीक है, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराऊंगा और बिल्कुल अपने वे से कराऊंगा, यानी थोड़े फॉर्मल सेम होंगे, बाकी सारे शॉर्टकट्स. सो याद रखना, हम सबको आज के दिन में इस बात को याद रखना है कि इस टॉपिक से इनकार नहीं करना. क्यों नहीं करना आपको बताता हूं. हमारे सीए के सिलेबस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक और टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी. तो मैं ये दो चैप्टर्स इकट्ठे कराता हूं बच्चों को, और इस दो टॉपिक की मैक्सिमम वेटेज है हमारे मैथ्स के सिलेबस के अंदर. तो ये टॉपिक छोड़ने का तो सोचना ही ना. सारे बच्चे समझ गए, ये टॉपिक हमने छोड़ने का सोचा ही नहीं है. सबसे पहले इसको समझने के पहले मैं आपको कुछ पहले फंडास कराऊं. फंडास मतलब कुछ बेसिक बात जो हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते वक्त लगानी है, याद रखना. सबसे पहला, फर्स्ट, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. भैया सर इसका मतलब क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? सुनो, इसके अंदर दो बातें होती है. एक होता आपके पास एडिशन रूल, इसको हम लोग सम रूल भी बोलते हैं. दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन रूल. एक होता है एडिशन रूल, दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन रूल. भाई सारे बच्चे इस बात को अपने दिमाग में अपने जहन में डालेंगे कि एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल क्या चीज होती है. चलो मैं ना आपको इन दोनों की थ्योरी बाद में समझाता हूं, पहले एक प्रैक्टिकल का एग्जांपल देता हूं. सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मिस्टर जोगेंद्र सिंह. कोई मिस्टर जोगेंद्र सिंह है? मिस्टर जोगेंद्र सिंह ने अमृतसर से बटाला जाना, ठीक है, कहां जाएंगे वो? अमृतसर से बटाला. अब मिस्टर जोगेंद्र सिंह अमृतसर से बटाला जाने के लिए उनके पास या तो भाई चार बसेस का रूट है, मतलब या तो वो चार बसेस का रूट है जो अमृतसर से बटाला जाती है, अलग अलग बसेस अलग अलग टाइम पे चलती हैं, या उनके पास ऑप्शन क्या है,
या उनके पास क्या ऑप्शन है, वो तीन टैक्सीज चलती हैं उसमें जा सकते, समझ गए, तीन टैक्सी चलती हैं उसमें जा सकते। पहले मुझे एक बात बताओ, वो दोनों में से एक में जाएगा ना, ये थोड़ी कि एक पैर बस में रखेगा एक पैर टैक्सी में रखेगा, ऐसा करेगा वो नहीं, ऐसा वो कभी करेगा कि वो एक पैर बस में रखे एक पैर टैक्सी में रखे, पॉसिबल है नहीं। तो याद रखना मिस्टर जोगिंदर सिंह अगर वहां पर जाना चाहते हैं तो वो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम लोग को दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, हम लोग क्या लगाते हैं, एडिशन रूल। क्या लगाते हैं, एडिशन रूल। पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि एडिशन रूल लगाना कब है। अच्छा, अब सपोज कर लीजिए, ये लीजिए भाई, मान लो हमारे मिस्टर मोदी जी हैं, प्यारे मोदी जी, मोदी जी कॉलेज जाने के लिए तैयार। मोदी जी ने अपने फादर को बोला, पापा मैं पहले ना कॉलेज जा रहा हूं नया नया, मुझे आप अच्छे अच्छे कपड़े लेके दो। पापा ने उसको पैसे दे दिए, जा बेटा कपड़े ले आ। मोदी जी के बाजार में मोदी जी ने एक येलो शर्ट खरीदी, एक पिंक शर्ट खरीदी, एक काली शर्ट खरीदी, एक नीली शर्ट खरीदी और एक हरी शर्ट खरीदी। बेटा सारे बच्चों को क्लियर? अच्छा, अब मोदी जी खाली शर्ट डाल के तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक पर्पल कलर की पैंट भी खरीदी, मान लो एक पिंक कलर की पैंट भी खरीदी, एक येलो पैंट भी खरीदी और एक ग्रीन पैंट भी खरीदी, ठीक है। अभी सुनना, अब मोदी जब कॉलेज जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये हो गया बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना, मोदी मान लो कहते हैं मैं आज कॉलेज जा रहा हूं, पीली शर्ट, मान लो ये शर्ट है और ये पैंट, ठीक है, पीली शर्ट और पिंक पैंट का कॉम्बिनेशन डाल के, ग्रेट। मान लो कहते हैं मैं नीली शर्ट और हरी पैंट का कॉम्बिनेशन डाल के जाऊंगा, फिर वो कहता है नहीं यार मैं गुलाबी और लेवेंडर का कॉम्बिनेशन डाल के जाऊंगा, फिर वो कहता है मैं टैक्सी बन के जाऊंगा कार पीला, वो कहता है हरा और पीला, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो भी करेगा वो इन दोनों को सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? दोनों को सिलेक्ट करेगा, दोनों में से एक नहीं करेगा, दोनों को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अकेली पैंट डाल के तो वो कॉलेज जाएगा नहीं, सलमान खान वो है नहीं, अकेली शर्ट डाल के वो जा नहीं सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों को सिलेक्ट करेगा। आई मीन टू से कि जब हम लोग दोनों को सेलेक्ट करते हैं, मेरी बात को समझना, जब हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। जब मैं दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करता हूं उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रूल। बेटा सारे बच्चों को गाली समझ में आ गई? गुड, वेरी गुड। अभी समझो इसकी थ्योरी, अब आपको थ्योरी समझ में आई। इसी के नीचे नीचे ऐसे साफ बना के लिखते जाना है। देखिए, if there are two alternative jobs which can be done in m ways and another by n ways, पहला मैंने m लिखा है, दूसरा n लिखा है, याद रखना, another by n ways, then either of the one can be done in m plus n ways। तो भाई एडिशन रूल क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर वहां पर दो अल्टरनेटिव जॉब्स हैं, इनमें से एक जॉब को मैं एन तरीके से कर सकता हूं, दूसरे को मैं एन तरीके से कर सकता हूं, देन आइदर ऑफ द वन कैन बी डन इन एम प्लस एन वेज। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं बना है लोगों? ठीक है, देन आइदर ऑफ द वन कैन बी डन इन एम प्लस एन वेज।
कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ इन तरीके से, जैसे वापस ऊपर वाले एग्जांपल में आते, मान लो उसके पास जोगेंद्र सिंह के पास अमृतसर से बटाला जाने के 4 बसेस का रूट था, 3 टैक्सी का रूट था। अब अगर वो अमृतसर से बटाला जाना चाहता उसके पास कितने तरीके, टोटल 7 तरीके। सारे बच्चे समझ गए भाई? तो अगर मेरे को दोनों में से एक करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब मैं आपको बताता हूं हमारा मैजिक। मैजिक शुरू भाई, सिंपल सी बात है। लिखो, इफ इन अ क्वेश्चन और कोई इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, आइदर वन at least one one of them is given, then we should follow addition rule. तो याद रखिए बेटा, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो और मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर वन सेम मतलब एटलीस्ट वन कम से कम एक, या वन ऑफ देम, अगर ये वर्ड्स क्वेश्चन में है तो आप क्या लगाते हो, एडिशन रूल। पता है दिक्कत क्या आती है बच्चों को ना, एक्चुअली में कभी बनाया नहीं जाता ना प्लस वन में ना सीनियर क्लासेस में, फिर तुमने रूल लगाने कैसे। नॉर्मली मैं बताता हूँ टीचर्स क्या करते हैं, थोड़े से फॉर्मूला बना के सीधा सम करना शुरू कर देते हैं। That's a wrong pattern. पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे ये रूल लगाना कब है। आपको पता है ये टॉपिक इतना बढ़िया है, इतना इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके करोगे ना, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। आपको पता है अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है तीन पति, अगर किसी ने नाम सुना हो, उस पिक्चर में ये कहा है कि वो बंदा मैथ का प्रोफेसर होता है, बच्चों ने देखी नहीं बिकॉज वो सुपर नॉट पिक्चर थी, लोगों को समझ में नहीं आई क्योंकि वो हर एक के बस की पिक्चर थी। उसमें दिखाया गया था मैथ्स का प्रोफेसर कैसे प्रोबेबिलिटी यूज करके गैम्बलिंग करता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी अब कंबाइन करके वो कैसे गैम्बलिंग करता है। तो यही चीज है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझ जाओ, मतलब ये नहीं कि आपको मैं जारी बनाने के लिए बैठा रहा हूं, कल को पता कि बच्चे बस स्टैंड पर गए जाने का नहीं का सब नहीं कर रहा मैं। मैं आपको ये बता रहा हूं भाई कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करना है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। हमने खाली वही समझ, मेरी कोशिश आपको वही सुनाने की। आप लोग समझ में है जो मैंने बस और टैक्सी वाला एग्जांपल दिया? बाकी अगर आपको रट्टा लगाना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, और लिखा और सब ढूंढ लेना। अगर आप वहां लिखा हो एटलीस्ट वन लिखा हो, वन ऑफ देम लिखा हो, तो क्या लगाना चाहिए, एडिशन रूल। तो ये था हमारा एडिशन रूल। अब आइए हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल क्या। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहते हैं, इफ देयर आर टू जॉब्स विच कैन बी डन इन एम वेज एंड another can be done in n ways, then total number of ways in doing both simultaneously is m into n ways. So what does it mean? अगर मान लो आपके पास दो काम है जिसको आप m तरीके से और n तरीके से कर सकते हो, अगर आप उनको एक साथ करना चाहते हो, वर्ड क्या है, simultaneously, एक साथ, तो वो हमेशा क्या होता है, m into n ways। मतलब सपोज कर लो
यहाँ पर उसके पास कितनी शर्ट है, 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी पैंट्स है, 4। तो अगर मैं से बात करूं कि भाई तेरे पास कितने वेज है दोनों कट्ठे पहने के, 20 तरीके याद रहेगा सारे बच्चों को। जब हमने कोई चीज इकट्ठे करनी है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, जब कोई चीज दो में से एक करनी है उसको एडिशन रूल के साथ लगाना है। अच्छा, अब इसमें क्या फ्लूक है, बड़ा सिंपल सा फ्लूक है इसके अंदर। इफ अ क्वेश्चन व्हाट दिया होता है एंड, यह वर्ड दिया होता है साइमल्टेनियसली, यह दिया होता है बोथ, देन वी शुड फॉलो मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर क्वेश्चन में मान लो एंड दिया हो, मान लो साइमल्टेनियस दिया हो या दिया हुआ बोथ, तो आपको क्या लगाना चाहिए उस केस में, मल्टीप्लिकेशन। बस एक छोटी सी बात आपने याद रखनी। चलो पहले बच्चे बताएं, पहला फटा क्लियर है सारे बच्चों? मैं इस चैप्टर को बहुत स्लोली कराने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा जिनको आता भी होगा थोड़ा सा बोर फील करेंगे, बट कांट हेल्प इट, मैं इसको बहुत स्लोली कराऊंगा। बेटा सेकंड फटा, फटा नंबर टू, फिर हम बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। देखो बेटा, मैं ना अब कई बार फैक्टोरियल नोटेशन यूज करूंगा। अब फैक्टोरियल नोटेशन कैसे यूज करते हैं आपको बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी बात, ऐसे लिखा होता है फैक्टोरियल एन, ये जो डेटा है ना फैक्टोरियल का साइन, ये ऐसे लिखते हैं एन फैक्टोरियल, ये लिखा होता आपके पास, याद रखना एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, लास्ट टेल वन। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, सपोज आपको बोलता है फैक्टोरियल सिक्स, आंसर होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपको लिखा है फैक्टोरियल फाइव, आंसर होता है 5 4 3 2 1, एक तक जाने। याद रखो फैक्टोरियल जीरो हमेशा वन होता है, कभी किसी का फैक्टोरियल बोले कुछ टेंशन मत लो, लास्ट में चलते जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर कहां तक जाना आपने, वन तक। ये बच्चों को फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दो बेसिक फंडास हैं जो मैं बार बार यूज करूंगा, कौन सा, एक होता है काउंटिंग प्रिंसिपल, एक होता है फैक्टोरियल नोटेशन। बच्चों लोगों ने ये दोनों बेसिक फंडास अच्छी तरह अपने जहन में बैठा लेने। बेटा मुझे बताएं, इस दिस एब्सोल्युटली क्लियर? यस सर। एवरीवन? यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आइए चैप्टर के पहले पार्ट पे, हमारे परमिटेशंस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक परमिटेशंस, पी से परमिटेशन, पी से पेन। इस टॉपिक से आपको पेन करना है। ये टॉपिक है क्या समझो, पहले ये टॉपिक है क्या, इसकी आपको प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी सुनाता हूं। चलो भाई हम ऐसे करते हैं, सपोज मान लो ये ग्रीन वाले हमारे कृतिका दीदी हैं, ठीक है, ये पिंक वाले हमारे कौन से दीदी हैं, अजुल हरजोत दीदी, ठीक है। मान लीजिए ये ग्रे वाले हमारे कौन से दीदी हैं, ईशा दीदी, ठीक है, और इधर कौन से दीदी बैठे, हाँ जी समीक्षा दीदी, ये लो जी ऑरेंज वाले, ठीक है। चलो एक दीदी और लेते हैं, आपके अपना नाम बताएं बेटा, हाँ जी, चलो एक हमारी स्माइल दीदी है, मुस्कान दीदी, ठीक है। अब ये पांच दीदी हैं, तीनों लाइन से बैठ गए, हमने ना फोटो खिंचवाई अपनी, कृतिका बोलती है देख पहन मैं तो कोने से बाहर, ठीक है। अब ये कृतिका यहाँ बैठ गई, एक काम करते इनके नाम के जरा इनिशियल्स डाल देते, कृतिका ये था हजोत, ये था I, S और ये है F। चलो ये भी अच्छा, तो के नाम टीचर अलग अलग है, वाह
ये भी अच्छा हो गया। मान लो मैं कृतिका दीदी कहती मैं इधर बैठूंगी, हरजोत इधर, इधर से ईशा, इधर से समीक्षा, इधर से मुस्कान, ये पांचों बैठ के फोटो खिंचवाने बैठ गए। अच्छा अब ये कहते हैं यार हमने फोटो खिंचवा ली है तो एक अरेंजमेंट हो गया। मुस्कान बोलती मैं क्यों लास्ट बैठू, मैं पहले आऊंगी। अब मान लो मुस्कान दीदी पहले आ गए, ठीक है। अच्छा समीक्षा कहती मैं तो मुस्कान के साथ बैठू, वो उसके साथ आ गई। अच्छा ईशा कहती अब मैं लास्ट में बैठूंगी, कृतिका बोलती अच्छा मैं बीच में बैठूंगी, ठीक है। कौन रहेगी अब, हरजोत बेचारी शरीफ कुछ नहीं कहती। मान लो उसको एक तरफ बैठा दिया, अभी मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं मुस्कान को ले आया, यहां पे समीक्षा को, यहां पे कृतिका को, यहां पे हरजोत को, यहां पे ईशा को, अब ये लोग इस तरह बैठ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब अगर मान लो इनकी फिर आपस लड़ाई हो, हरजोत कहती मैं शरीफ हूं, कुछ भी करी जाओगे मैं पहले बैठूंगी, अब ये लोग हरजोत कहती मैं पहले बैठू, तुम शराबत का तुम मजाक करा रहे हो हमारा, कोई बात नहीं, हरजोत को पहले बैठा दिया। कृतिका बोलती ठीक है जाओ मैंने लास्ट बैठ, जाओ जो करना कर लो। अब यारी ईशा झूठ है, चलो यार मुझे कहीं भी बैठा दो, ठीक है। सरीशा कहती चल यार कोई बात नहीं, देख जो मर्जी कर ले, मैं तो वहां पर मुस्कान के साथ ही बैठूंगी। तो वो समीक्षा इधर करके उसने मुस्कान के साथ, सॉरी सॉरी मुस्कान पे कदम उठा दिया, ठीक है भाई हो जाता है कभी कभी स्लिप ओवर टंग। अब हरजोत इधर बैठ गई, मुस्कान इधर आ गई, समीक्षा इधर आ गई, ईशा इधर आ गई और कृतिका इस तरफ आ गई। अब बताओ मैं कर क्या रहा हूं, आई एम अरेंजिंग, क्योंकि आपस इतने कलर होंगे नहीं, लेकर आने चाहिए बड़ा घर से। अच्छा गाइस बड़ा आप लोग क्या करो, ये K H I S M नोट करो, याद रहेगा। जो बच्चे पहली बार चैप्टर करें खासकर वो तो जरूर कर ले, उनको याद रहेगा पॉपुलेशन होगा क्या है। I hope everybody got the meaning of the word foundation. अभी इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ओके। आइए सबसे पहले आइए मीनिंग, द वेज ऑफ अरेंजिंग और सेलेक्टिंग अ स्मॉलर और equal number of objects or persons from a group of persons or collection of objects in a particular order of arrangement is called permutations. तो जब है वहां पर याद रखिएगा कोई particular ऑब्जेक्ट्स में से या ग्रुप ऑफ पर्सन्स में से एक ऑब्जेक्ट या उसके इक्वल ऑब्जेक्ट सेट करके उनको अरेंज करने की कोशिश करता हूं, उस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को परम्यूटेशन कहा जाता है। देखो स्मॉलर और इक्वल का मतलब क्या होता है, सपोज कर लो जैसे मैं कहता हूं भाई पांच लोग हैं,
अब मैं कहता हूं पांच में से मुझे पांच अरेंज करने हैं, ये तो हो गया इक्वल लैंग्वेज समझना। मान लो पांच लोग हैं, मैं पांच में से तीन अरेंज करना चाहता हूं, ये हो गया स्मॉलर। सारे समझ गए, दो वर्ड मैंने यूज करे स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं पांच में से पांच अरेंज करता हूं ये क्या हो गया इक्वल, अगर मैं पांच में से तीन अरेंज करता हूं ये हो गया स्मॉलर। गुड। अब एक बात और याद रखें, परमुटेशन को हम लोग हमेशा एक मैथमेटिकल वे से नोट करते हैं, इसको कहते हैं भाई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशंस। भाई साहब परमुटेशन को हमेशा एक मैथमेटिकल वे से नोट करते हैं, परमुटेशन का एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है वो हमने चेक करना है। दैट इज NPR, याद रखना, इट इज N ऊपर P बीच में R उसके पैरों में, याद आएगा N ऊपर P बीच में R उसके पैरों में, ऐसे लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, हमेशा याद रखो N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। बच्चे थोड़ा सा परेशान होंगे सर क्या चीज है, कुछ नहीं है बेटा मैं बताता हूं, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। आर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड आउट ऑफ टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज आउट ऑफ टोटल। भाई सारे बच्चे बड़े प्यार से इसको अच्छी तरह सुन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज आउट ऑफ टोटल, अर्थात हम चलो इसको एक बार स्टडी करते हैं। आई से 6P2, इसका मतलब होता है याद रखना हमारा 6 हो गया N, 2 हो गया R। एक बात याद रखना, पापा N होते हैं बेटा R होता है, जैसे इंडिया N है और बेटा कौन है R कौन है पाकिस्तान, याद रखना। तो इसी तरीके से आपको याद रहेगा, मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि n हमेशा r से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। n और r बराबर हो सकते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है n कभी r से छोटा नहीं होगा। अब इसको मुझे फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 6 माइनस 2। बच्चे जरा एक बार देखें, फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 6 माइनस 2 अर्थात 6, 5, 4 फैक्टोरियल रुक जाओ, क्योंकि नीचे माइनस करके क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 30। सारे बच्चे समझ गए सॉल्व कैसे करना है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना। मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल और देता हूं, एकदम वहां तक हर बार जाने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल और सुनिए सारे बच्चे, उससे आप क्लियर कर लो सॉल्व करना। सपोज 36P3, तो आपने क्या करना है 26 फैक्टोरियल ओवर 26 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 26, 25, 26, 23 पे रुक जा भाई, 23 के साथ फैक्टोरियल लगा दे, क्योंकि नीचे 23 फैक्टोरियल आना है। अब 23 और 23 का आंसर कर दो, आंसर क्या आएगा 26 इनटू 25 इनटू 24, करना यार मेरा जल्दी पता नहीं कहां जा रहा है, कितना आता है 15600। यहां से किसी प्यारे बच्चे ने कैलकुलेटर तो नहीं रख कर दिया, बड़ा मेगा था भाई, प्लीज वापस कर दो, मैंने सीआई बुला लेनी है, उसका एक बटे 500 रुपए का था, मतलब आपने उठाया कोई कैलकुलेटर नहीं चलता, वो सब कैलकुलेट करता है, मैं थोड़ी लिए होते चलेगा कैसे। चलो कोई बात नहीं, आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे तो कैसे चलेगा वो। अच्छा आप सारे बच्चे बताओ एक कैलकुलेशन कह रहे सारे बच्चों को, चलो हम एक काम करते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं बेबीज डे आउट। सर व्हाट इज बेबीज डे आउट, बेटा पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग कर रहे हैं डाइपर क्वेश्चंस
ऑन प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, परमुटेशंस। एक्चुअली कहीं ना कहीं दिमाग में प्रोबेबिलिटी चल रहा होता है। लो भाई, पहले आपको करने जा रहे हैं बेबी क्वेश्चंस। मैं स्टार्ट करूंगा पहले कुछ बेबी क्वेश्चन से, धीरे 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 पापा पे आएंगे। सुनो, सपोज कर लो, मान लो देर आर थ्री लेटर्स एबीसी, इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री लेटर्स बी अरेंज्ड। सुनो, तीन लेटर्स एबीसी है, कितने वेज में तीन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं? अगर बच्चा इस सबको करना, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा क्या बोलेगा, या इसमें एन भी तीन है, तीन लेटर्स को मैं मैक्सिमम तीन वेज में अरेंज कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थ्री पी थ्री। तो बच्चा करेगा थ्री फैक्टोरियल ओवर थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्या आएगा, थ्री टू वन, नीचे वाला जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, आंसर आ गया सिक्स वेज। बट ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, कौन सा तरीका हो गया, ये नॉर्मल तरीका। मैं बच्चों को अभी एक मेथड सिखाने जा रहा हूं, उसका नाम हम रखेंगे डब्बा मेथड। सर हम रखेंगे इसका नाम, अपने बच्चे का नाम खुद रख सकते, किसी और के बच्चे का नाम नहीं रख सकते आप, किसी और बच्चे को नाम देना भी नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो, डब्बा मेथड, भाई साहब डब्बा मेथड, देखो अभी इजी क्वेश्चन में डब्बा मेथड आपको डब्बा लगेगा, पर जब हम लोग जवानी वाले क्वेश्चन में आएंगे तो आपको डब्बे से ही प्यार हो जाएगा। अब लोग कहते हैं आप क्यों करा रहे हो डब्बा मेथड, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे निकलेगा। बेटा इजी क्वेश्चन में डब्बा मेथड आपको डब्बा लगेगा, मैंने पहले से बोल दिया, पर मैं एक बार आपको इजी क्वेश्चन से डब्बा सिखाने जा रहा हूं, बिकॉज मैं आगे चल के 90% क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, और आपको वादा करता हूं बहुत इजी लगेगी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में। चलो, डब्बा मेथड के कितने लेटर्स हैं आपके, तीन, तीन लेटर मतलब तीन डब्बे बनाने, तीन लेटर मतलब आपने तीन डब्बे बना लिए रफ में, आपका किसने सॉल्यूशन चेक करना है वहां पर, तुम चाहे डब्बे बनाओ, चाहे तुम वहां पर फोटो बनाओ, चाहे जय माता दी रफ में, किसने चेक करना, कोई चेक करने वाला, इसलिए डब्बा मेथड बेस्ट है। अब डब्बा मेथड में करना क्या होता है, आप मुझे बताओ, पहले डब्बे के अंदर मैं ए बी सी में से कोई भी एक लेटर फिल कर सकता, तो पहले डब्बे ले कितने वेज हो गए, थ्री वेज। अब एक लेटर यहां चला गया, दूसरे ले कितने वेज बचे, एक कम हो गया, समझ आ रहा है, तीसरे ले कितना बचा फिर आपके पास, तो कहने का मतलब हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन कितना आंसर, सिक्स वेज। भाई डब्बा मेथड समझ आया सबको, पहले डब्बे में मैंने तीनों में से कोई भी एक लेटर डाल दिया, तो पहले डब्बे के लिए कितने वेज हो गए, तीन वेज हो गए, एक लेटर यहां चला गया, अब दूसरे डब्बे में दो वेज, क्योंकि एक लेटर वहां यूज हो गया, अगले के लिए कितने बचे, दो वेज, अगले के लिए कितने बचे, ये वन वेज। भाई एक बड़ी गुजारिश है, कुछ हमारे बीच में मैथमेटिशियंस होंगे, प्लीज ये डब्बा डुब्बा वर्ड बाहर जाके यूज मत करना, ये सिर्फ शॉर्टकट टेक्निक्स है। ओके, नेक्स्ट सुनिए, अगर सपोज कर लीजिए मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए इन हाउ मेनी वेज फाइव परसेंट स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ, कितने वेज में पांच लोग ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़े हो सकते हैं, आप बताइए, पांच लोग हैं, एक दो तीन चार, चार लाइनें मार लो, अपने आप पांच डब्बे बन जाएंगे, समझिए, देखो पांच लोग, बेटा पहली प्लेस को फिल करने के मेरे पास फाइव वेज है, मैं पांचों में से किसी भी खड़ा कर सकता हूं, इज दैट क्लियर एवरीवन, मैं पांचों में से किसी भी खड़ा कर सकता हूं, पहले देखो पांच, अब एक खड़ा कर दिया,
ये वही एग्जाम्पल हो गया जो मैं अभी 5 गर्ल्स का एग्जाम्पल ले रहा था। दूसरे के लिए कितने एज हो गए? तीसरे के लिए उसके बाद 2 उसके बाद 1 आंसर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो याद रखना बेटा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, डब्बा में जिसको मैं प्रेफर करूंगा, या कोई बच्चा बोले सर मेरे को ऐसे करना है, 5 में से 5 लोग एज करें तो फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस 5 आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है आप लोगों को पता ही है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो आंसर इज 120। आंसर सेम आएगा आपकी कसम। बेटा मैंने आपको बचपन के 2 प्रॉब्लम्स कहे ताकि आपको एक बार कॉम्पिटिशन का डब्बा में समझ में आ जाए। सारे बच्चों को कहें भाई इंसानी बच्चों से बात कर रहे हैं, इज दिस क्लियर? यस सर। गुड, शाबाश। अब आगे सुने, अब आ जाइए, ये जवानी है दीवानी, जय बाजीराव मस्तानी। लिखो भाई, ये जवानी है दीवानी, जय बाजीराव मस्तानी। लिखो, सुन, चलिए क्या है बेटा, हम धीरे धीरे जवानी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, देखो जब आदमी जवान होता है उसके कदम गलत जगह लड़खड़ाते भी, तो यहां भी आप गिरोगे, ज्यादा मत गिर, ज्यादा गिरा हुआ इंसान अच्छा नहीं होता, बट आपने हिम्मत करके वापस उठ जाना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको हिंदे दूंगा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ, बेटा कुछ बच्चे ना अपने घर से किटी पार्टी करने आए, उनको बोलूंगा जरा शांति से बैठे रहे, अभी तो मुला खिलाऊंगा, लकी नंबर 69 74, चुप ही नहीं बैठ सकते। बेटा टाइप्स ऑफ पर्मिटेशन प्रॉब्लम्स, भाई इस चैप्टर को ना एंजॉय कर करके अच्छी तरह सुनो, बस खाली सुनो, मुंह से कुछ नहीं बोला आपने। अभी सुने, मैं क्या करूंगा, मैं आपको पर्मिटेशन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दूं, उससे आपको पता लग जाएगा भाई अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये करना है और ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये करना है, आपको ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं परमुटेशन प्रॉब्लम्स की सारी आपको करा दो। पहला टाइप 1, T1 दैट मींस टाइप 1, सबसे पहले आ जाइए आप, इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। परमुटेशन के सम्स हम लोग को आ जाते हैं कई बार सिंपल एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए। सर सिंपल एल्जेब्रिकली सॉल्व करना मतलब मैं आपको बताता हूं, आप ना पहले तो कुछ बातें याद रख लो फाउंडेशन के अंदर जो आपको काम आने वाली, वो पहली बात NPN को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना। अच्छा कई बार ऐसे लिखा होगा PN, N। आपको एक और बात बता दूं, ये जो मैंने ऊपर लिख के दिया ना आपको, बेटा यहाँ पे वापस आए चेक करिए, बच्चे पहले लिख रहे हैं, सो तो बच्चे पहली बार करें मासूम, ये NPR लिखते हैं ना, ये NPR को ऐसे भी लिख सकते हैं P(NR), एक ही बात होती है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। Everybody's clear? ठीक है? So इसको याद रखना, PNR और NPR. So guys, वापस आइए उस पे. NPN और PNN is always equals to factorial N. ठीक है? ये याद रखना. अगर N और R सेम होगा, आंसर हमेशा factorial होता है. दूसरी बात सुने. NPN is always equals to NPN minus 1, अर्थात
6V6 और 6V5 का आंसर है वो, कभी भी करके देखो। या 7P7 7P6 आंसर सेम होगा, कभी सॉल्व करके देखो। आगे सुने, NPR is always equals to N minus P R minus 1, अर्थात suppose 6P2 is always equals to 6 into 5P1। सर ये आपने क्या कहा भाई साहब, NPR is always equals to N into N minus 1 P into R minus 1। Like we say N हमारे पास 6 है, R 2 है, तो क्या हो जाएगा N into N minus 1 that means 6 minus 1 5, R minus 1 that is 2 minus 1 1, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 into 5 P1। बच्चा ये तीन बेसिक बातें आप लोग याद रखना, इनको चारों सॉल्व करके देख लो आंसर सेम आए। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ एलजेब्रिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पहली प्रॉब्लम गाइस, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन नाउ बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल ईट अप योर माइंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। द वैल्यू ऑफ 1 into 3 into 5 into 7 into 9 dash 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 2n minus 1 is, we have the first option 2n factorial over 4 factorial, we have the second option 2n factorial over 2n factorial, we have the third option 2n bracket factorial over 2 ki power n into n factorial, we have the fourth option, fourth option is none. But let's check it out which option follows. अब आप लोगों से एक बात सही से बता देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को शराफत से करोगे तो आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। सर क्या हम शरीफ हैं? हम कौन है सारे? जोशी बोली नो, जोशी बोली लुच्चे, यस। घर जाके शीशे में देख के आपने चिल्ला चिल्ला के बोला है, याद रखना। अभी सुनिए बेटा, आपके पेरेंट्स बहुत जल्दी आपको घर से निकाल देंगे, जो आपकी हरकतें हो रही हैं ना धीरे धीरे, कोई बात नहीं। सुनिए अभी इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ एपी जीपी करा हुआ है, जितने लोगों ने नहीं करा उनको भी कोई टेंशन नहीं है। क्या करते पुट एन इक्वल्स टू टू, एन सपोज कर लो टू ले ले भाई, फर्स्ट ऑप्शन मैंने n2 पुट करा, 2 into 2 over 4 factorial, ये तो मेरा आंसर आ गया 1, यही आ गया ना, नहीं सॉरी 1 नहीं आया, माफी चाहूंगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 into 2 factorial that is 4 over 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1 sorry। अब मुन्ना मुद्दा क्या है, factorial खाली n के साथ था बेटा, 2 के साथ नहीं था, यहां पर याद रखना फैक्टोरियल खाली किसके साथ था, n के साथ, 2 के साथ नहीं था। अब मुद्दा मेरा क्या है, अगर मैं n को 2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर पहली दो टर्म्स के बराबर आना चाहिए, अगर n को 3 पुट करता हूं तो मेरा आंसर पहली तीन टर्म के बराबर आना चाहिए। पहली दो टर्म का प्रोडक्ट, क्योंकि आपको का बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो पहली दो टर्म प्रोडक्ट क्या आता है 3, मेरा आंसर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, ए ऑप्शन आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा बी ऑप्शन बेटा वैसे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2n factorial over 2n factorial वैसे ही कट करके उसका आंसर आना जाएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आ जाओ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में सर n2 कहां से आया, बड़ा तो n3 ले ले, अगर n3 लेगा तो क्या होगा, पहली तीन टर्म्स का प्रोडक्ट आंसर आएगा, अगर n4 लेगा तो पहली चार टर्म का प्रोडक्ट आंसर आएगा, पर आपको इतना जाना ही नहीं, आप n को 2 के साथ सेटिस्फाई करो। क्या है हमारे पास, देखो 2n ब्रैकेट में फैक्टोरियल, इसका मतलब ये सारा फैक्टोरियल है, और ऑप्शन दी हुई है 2 की पावर n into n फैक्टोरियल, आप दिमाग लगाओ 2 into 2, अब ये पूरा फैक्टोरियल है, नीचे आ गया 2 स्क्वायर into 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने n को 2 पुट करा, अब बच्चे थोड़ी सी अकल आए, ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल,
4 into 3 into 2 into 1, बच्चे समझ गए ना, ये ब्रैकेट में फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2n पूरा पटा फैक्टोरियल है। अच्छा, उसके बाद 2 स्क्वायर, नीचे आ गया 4, फिर 2 into 1, अब आप जब कटिंग करते हो, कटिंग करके आंसर क्या बचता है? 3, आप मुझे बताओ क्या 3 पहली दो टर्म्स का प्रोडक्ट है? यस, मेरा कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? सी इज माय आंसर। सो दोस्त, इसको उसी एपी जीपी वाले तरीके से सॉल्व करना, आपको इसके अंदर कोई और तरीका नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, एल्जेब्रिक नोटेशन में ना फैक्टोरियल नोटेशन के अजीब तरह के क्वेश्चंस ऐसे आते होते हैं, एन बार जब भी एन बार क्वेश्चन आए, n2 n3 मैक्सिमम 2 या 3 तक आपका आंसर पता लग जाएगा, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये टेक्निक सर बच्चों को क्लियर है? ऑल टॉपर्स ऑफ सीए फाउंडेशन, इज दिस क्लियर? गुड। आप सुनिए, मान लो मुझे कहता है भाई एलसीएम निकालना है 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का, ठीक है, और मुझे ऑप्शंस गिवन है 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और फिर लास्ट वाली नन। एक आप लोगों को बता देता हूं, एलसीएम अगर इसको ओरिजिनली निकालने बैठोगे भाई तो बहुत टाइम लगने वाला है। पहले आप 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करोगे, फिर ऐसे 7 के साथ करोगे, फिर ऐसे 8 के साथ करोगे, फिर इसका एलसीएम निकालोगे, आप कौन हो? आप पागल हो। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, याद रखो। आप एक लिखो, लंगूर का अंगूर, लिखो भाई लंगूर का अंगूर, क्या लिखना आपने? लंगूर का अंगूर लिखो। इन केस ऑफ एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, हाईएस्ट फैक्टोरियल इज द आंसर। भाई साहब याद आएगा, लंगूर का अंगूर हमेशा हाईएस्ट फैक्टोरियल इज द आंसर। तो आप बताओ 6, 7, 8 में से हाईएस्ट कौन सा है? आपका 8 फैक्टोरियल आंसर है। आप एंजॉय कर सकते हैं, जीवन में बेकार परेशान ना हो। तो एलसीएम में हमेशा क्या होते हैं? हाईएस्ट फैक्टोरियल। अच्छा, आगे सुने भाई साहब, अपनी कितनी पारी ना चाहे मैं बार-बार बोल रहा हूं, फाइंड पढ़ाई पे एचसीएफ ऑफ 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आपको ऑप्शंस गिवन है 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और नन। अब बच्चा क्या करेगा सर? इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, एचसीएफ निकालने की कोशिश करेगा। बच्चे ने यहां पर क्या करना है? अंगूर छोटे, इसको याद रखना है। पहला क्या था? लंगूर का अंगूर, अब अंगूर छोटे। व्हाट डज इट मीन? इन केस ऑफ एचसीएफ lowest factorial is answer। तो याद रखना बेटा, अंगूर छोटे एचसीएफ में, क्या? lowest factorial is answer, lowest answer क्या है? 3 factorial is answer। बात कर और सुनो भाई साहब, एक तो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन थे, एक इसमें क्या आता है आपको बताता हूं, जब सारे बच्चे ना ध्यान से सुनो ये बात, एक इसमें कहानी और आती है। बाबा जी को निकाली लड़ाई ले रहे ऐसे उल्टे का मन कर रहे अपने पंख फैलाने की कोशिश है कि
आप दोनों पीछे जाके ऐसे ऐसे हो जाओ, वो थोड़ा सा पक्का दे। ओके सुनिए, कई बार आंसर आता है 1/4 factorial + 1/5 factorial = x/6 factorial। आपको बोलेगा फाइंड x, भाई ऑप्शंस गिवन होंगे 26, 36, 52 and 1। सोच समझ कर ऑप्शन लगानी, सोच समझ कर। सो टेंशन नहीं, आप इसका लो पहले लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन है ना यार, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता ही है, तो आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड लो 1/4 factorial, 1/5 factorial। अगर आप इसका आंसर एलसीएम का लोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 factorial। ठीक है, अब आप अकल लगाओ, अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5। तो थोड़ा दिमाग रखो ना, डिवाइड करना मतलब ये देखो रफ में 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 5 × 4 factorial, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, 5 × 1 क्या होता है 5। सारे बच्चों क्लियर है? अच्छा ये रफ वर्क है, हाँ ये सब नहीं करना आपने, ये रफ वर्क था। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 5 + 1 = 6/5 factorial, नीचे आंसर आ रहा है, ठीक है ऊपर factorial क्या है बच्चा, यहाँ से देखो नहीं है, वो सिर्फ एक लाइन है, वो लाइन थोड़े से ऊपर चली गई साइड पे, ऊपर क्या आ गया 6/5 factorial। सारे बच्चे पास से सहमत है, तो LHS आ गया। अब RHS क्या है भाई साहब, RHS है x/6 factorial। भाई और बहनों प्लीज कीप क्वाइट, x/6 factorial। सुने एक काम करते हैं, मैं x को 26 देते, 26/6 factorial। ओ यार ये तो कभी कुछ जुगाड़ चलेगा, 26/6 × 5 × 4 × 3 ना पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना अब मुझे आंसर यहाँ पे ये निकालना, ये ठीक है भाई चल रहा जुगाड़ थोड़ा इसको, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आंसर ए फेल। अब आप बी पे आ जाओ, डी ऑप्शन में क्या था 36, अब एक काम करो 36/6 factorial, मैंने x को 36 ले लिया, 36/6 factorial 36/6 × 5 factorial लिख सकता हूँ सर, 6 और 6 कैंसिल, ये देखो क्या आंसर आ गया 6/5 factorial। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर LHS और RHS बराबर आ रहा है? अगर LHS और RHS बराबर आ रहे तो मेरा क्या है, बी ऑप्शन इज द आंसर। सर सवाल सुन नहीं करना मेरे को, ऑप्शन से आंसर उठा के मिला लेना है, एक मिनट पहले मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि सारे बच्चों को यहां तक कहानी कह रहे हैं, कौन बोल रहा है रिपीट कर दो, अच्छा एक और, अब देखो एक आदमी हिम्मत करते चार आदमी और आगे रेस करेगा, पक्की बात है, और किसने किसने रिपीट कराना है बेटा, हाथ रेस कर दो वरना रिपीट नहीं करूंगा। आपको समझ में आ गया, पहली बार में भवे की कसम। ओके देखिए आप सुने, आप मुझे बताएं गाइस पीस की पॉइंट, आप मुझे बताएं 1/4 factorial + 1/5 factorial, आपको ये पता लग गया दोनों का एलसीएम 5 factorial, लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करा, अच्छा 5 factorial को 4 factorial से राइट करा आंसर 5 आया, ये क्लियर है, ये रफ में दोबारा करके कहो, करके कहा दो, ये लो बेटा रफ वर्क लो, आप देखो 5 factorial over 4 factorial, 5 × 4 factorial पे रुक सकता है, अब ये कैंसिल हो सकता है, क्या आंसर बचा कसम से पक्का, साथ में मुस्कान बैठी कसम खा उसकी, उसके सर पे हाथ रखे ब्लू क्लियर, मुस्कान चश्मा खोल देना गुस्से में आ गया। अच्छा अब आप एक बात बताओ, आपको ये पता लग गया इसका आंसर आ गया 6/5 factorial, अब एक काम करता हूँ एक्स को मैं 26 पुट करता हूँ, 26/6 factorial कहीं से कटिंग नहीं हो सकती आपस में, 6 और 26 की कटिंग होती है नहीं होती, बट 6 और 26 की हो जाती है, क्योंकि अगर मैं कटिंग करूंगा तो ऊपर हुए 6 factorial, सॉरी ऊपर 6 से कटिंग हो जाएगी, एंड 6 factorial कैन बी रिटन एज 6 × 5 factorial,
ये कटिंग हो गई, आंसर देखो एचएस और आरएचएस के बराबर है, क्लियर है बेटा। अब आपको एक बार अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन प्लस वन में करा होगा, अगर उनको याद हो ये ना, अगर आप लोगों ने स्पेक्ट्रम फॉलो करी हो उसमें एक क्वेश्चन होता था और बच्चों बड़ा तंग करता था कॉम्पिटिशन के एलजेब्रिक इक्वेशन में, आपको बोलता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, क्या लिखे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन इफ 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 to the power n। भाई साहब अपने को क्या निकालना है, अपने को n की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए अगर 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 to the power n। अब बच्चा इसको याद है प्लस वन के स्पेक्ट्रम, आपका स्पेक्ट्रम गई हुई है प्राइम गई हुई है, अच्छा तो वैसे प्राइम कुछ नहीं स्पेक्ट्रम का सॉल्यूशन ही होता है। हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर स्पेक्ट्रम करें ना बच्चों तो ये सम उस पे था और डेल पेज का सॉल्यूशन होता था उसके अंदर, ठीक है बेटा आपके डेल पेज में करा दे मैं तो बेटा आधा पेज भी लूंगा। सुनो सर इसको हम शराफत से सॉल्व करें, आप पागल हो, शराफत से नहीं करना। जाओ देखो कोई भी ऐसा डिविजिबल वाला क्वेश्चन आ जाए बेटा, ऐसे क्वेश्चन खाओ कसम हम कभी शराफत से नहीं करेंगे, ठीक है कभी मत करना बेटा पागल हो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। करना क्या है सुनो, 33 को पहले 2 से डिवाइड कर, हमेशा 2 क्यों, जो यहां पे लिखा हुआ उसे शुरू कर लेना, सर डिवाइड तो होता नहीं 16.5 आता है, कोई बात नहीं तुम 16 लो, सर 0.5 कहां गया घूमने गया भाई, डेसिमल इग्नोर, याद करो सब चीजें मैंने कहीं कराई नहीं लग रही, डेसिमल इग्नोर क्या हो सर एपीजी में कराया है बदमी सेकंड नो सर एपीजी में सारी टेक्निक्स कराई हुई है मैंने, इस डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स में डेसिमल इग्नोर बताओ सर बदमी लो क्या चड्डा मैंने, चलो डेसिमल इग्नोर फिर 8 2 से फिर 4 2 से उसके बाद 2 1 से, समझ के सारे। अब सुनो इस केस में आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 16 8 4 2 1 का टोटल, बस आंसर 31, 16 8 4 2 1 का टोटल आंसर 31। अच्छा कुछ बच्चे ना टेक्निक तो मैं करा दी, बच्चों को उठपटांग लगती सर ये क्या बकवास कर गया, 16 8 4 2 1 का टोटल डेसिमल इग्नोर करके, मतलब जो होल नंबर आते हैं उनका टोटल कर लो n का आंसर, पर मैं आपको प्रूफ करता हूं कि मैं सही। देखो एक बार ये उन खुंदों की बच्चों के लिए जिनके अंदर आग लगी होगी इस टाइम पे, कैसे कैसे ये बताओ, सुनो ये खुंदों की बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है 33 फैक्टोरियल, अच्छा सर बताओ अगर आग लगी किसकी से कसम से आदेश करो कैसे, देखो 2-3 हाथ रेज हुए, अच्छा कुछ लोग हाथ ऐसे सही गए इतना, हाँ बस आदमी या औरत जो मर्जी हो बेटा खुंदक सब में होनी है याद रखो, नहीं नहीं कुछ शरीफ बच्चों में नहीं होते कुछ तो बहुत ही शरीफ होते नहीं होती है। ओके गाइस अब वापस आ रहे पढ़ाई पे, अब ये 33 फैक्टोरियल बड़ा बड़ा मत पढ़ना सर बात कर रहा, अच्छा 33 फैक्टोरियल होता क्या है, मुझे थोड़ा ना गलत से मजाक करने में डर लगता है पता नहीं कब होना शुरू करते हैं फिर जान निकले, लुक एट 33 फैक्टोरियल ओए चलो इधर देखो सर लड़कों का बहुत भीतर बोलते हो कई बार निकल रिजल्ट एक्चुअली पाजी बॉयज आर रफ एंड टफ, वो सुनने के लिए पैदा हुए, पहले बच मम्मी आप ही सुनो, बड़े होके टीचर की सुनो, आगे के बीवी सुनो, सुनना बह गई आप लोग सुनने के लिए पैदा हुए हो, मैं सुनिए किसी को जानूंगा आपका ही मौका आएगा अगर आप टीचर बने तो बच्चों पे निकाल देना, नहीं अगर मैं अगर न्याय हो गया उस पर निकाल देना
किसना किसना निकालो ए। चलो सुनो 33 32 चेटर ना अभी घर जाके हमें शादी करो इमीडिएटली आदत चले गया वो लुक हियर। चलो गाइस वापस पढ़ाई पे जो से बात ये खुंदे के बच्चों के लिए 33 32 31 30 39 38 27 26 बच्चों को बताइए 25 24 चलते जाइए ऐसे इधर नहीं ढक्कन मैं बता रहा हूं ऐसे वहां तक ये जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है वो नंबर जो इवन वाले होंगे उसमें ही टू से डिविजिबल होगा जो इवन वाले होंगे उसी का टू से डिविजिबिलिटी आएगी ऑड वाले तो आएगी बेटा इवन वाले पे आएगी। अब एक काम करें जैसे 32 है इसकी पावर क्या है 2 की पावर 5 30 की क्या हो जाती है इसे 30 का फैक्टर जब बनाते हो ना तो 2 की पावर 1 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है 28 के क्या बन जाते अब कर लो भाई 2 2 4 4 2 नहीं इसका क्या बनेगा आपको बता देता हूँ 28 को 2 को 14 से उसके बाद 2 को 7 से तो 2 स्क्वायर इंटू 7 बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ इसके बाद 2 की पावर 1 इंटू 30 26 आ गया ऐसे करते जाओ और बाद में जितनी भी 2 की पावर होगी सबको प्लस कर लेना आंसर 31 आ जाए समझ गए टेक्निक के जितनी भी 2 की पावर होगी सबको प्लस कर लेना 31 आ जाएगा ये है एक लेंथी मेथड जैसे 24 है मैं कर देता हूं बच्चों 24 क्या होता है आपको पता है भाई 2 क्यूब इनटू 3 समझ गए 2 क्यूब इज 8 8 3 24 ऐसे 22 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इनटू 11 15 2 की पावर 1 इनटू 5 आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं आगे 18 18 हो जाएगा 2 हाँ सॉरी 2 की पावर 2 नहीं इट्स ओके बेटा सॉरी बेटा इधर आप देखते जाए मतलब यू शुड अंडरस्टैंड द टेक्निक पॉइंट क्या है जैसे अगला आता अपने पास 18 18 क्या आता है 2 की पावर 1 इनटू 9 मतलब जितने भी 2 के डिविजिबल्स हैं सबके निकाल के पावर ऐड कर लो आपका आंसर 31 आ जाएगा। दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड इसको इस तरीके से करना नहीं सिर्फ आपकी शांति के लिए बता दिया मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉलो दिस बस इसमें एक बात याद रखना गाइस वी हैव टू टेक दीज वैल्यूज इसका टोटल 33 लेना क्योंकि आपको पता है 33 वैसे भी 2 से डिविजिबल ही होता क्लियर है ये बात याद रखना अगर आपको डिटेल करके देखना है तो इस तरीके से करके देखो सारा आप सारी पावर प्लस कर दो आपका पावर प्लस करोगे आंसर 31 आ जाएगा। जी बेटा जो डिविजिबल होगा 2 से अच्छा इसमें अच्छा एक क्वेश्चन आया सर अगर 32 फैक्टोरियल होता तो बेटा तभी नहीं लेते बिकॉज़ ही स्टार्ट पे 32 से 31 तो जब आप डिवाइड करोगे तब 16 से शुरू करोगे क्लियर है आप उसमें डेसिमल्स को इग्नोर करते जाना है उसमें खाली ये चीज होती है मैं आपको बता देता हूं अगर सपोज कर लो मान लो जैसे आप लोगों ने कभी भी कैलकुलेशन ना हो तो ये डिटेल जाकर करके चेक कर लो ठीक है बट अब इसमें एक काम करें मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं अब इसको इस तरीके से करें सपोज 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय फॉर एग्जांपल 16 फैक्टोरियल अब आप बताओ आपको इसको टेक्निक को बता रहा हूं 16 फैक्टोरियल आपको निकालना है n अब ये देखो अंडरस्टैंड करो अगर मैं 16 फैक्टोरियल करूं बेटा बच्चे का ध्यान देखें उसका मतलब क्या होता है 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये होता है। अब आप क्या कर सकते हैं आप देखो 2 से डिविजिबल वाले सिर्फ इवन नंबर्स That's it. अब एक काम करिए 16 क्या होता है 2 की पावर 4 आगे 14
2 की पावर 1 इनटू 7 आगे 12 12 क्या होता है 2 की पावर स्क्वायर इनटू 3 आगे 10 2 की पावर 1 इनटू 5 आगे 2 क्यूब इज 8 आगे 2 1 इनटू 3 नेक्स्ट 2 की पावर स्क्वायर नेक्स्ट 2 की पावर 1 अब आप एक काम करें चेक आउट द पावर्स 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 3 11 11 1 12 12 2 14 14 और 1 15 ठीक है कभी देखा तो इस तरीके से भी कर सकते हो अगर सपोज कर लो आप इसको सेकंड ऑर्डर से करना चाहते हो ठीक है उसमें आपके पास क्या आ रहा है ऐसे आप 16 से डिवाइड करते हो 8 आ गया ठीक है फिर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया फिर आपके पास 2 आ गया फिर आपके पास क्या आ गया 1 अब इस केस में आपने क्या करा आपने लिया 8 4 2 1 8 4 12 12 2 14 14 1 समझ में आया तो मैं फर्स्ट वाले को हर केस में छोड़ता ही छोड़ता हूं ये टेक्निक आपको सिखाने के लिए मैंने कराई हां मतलब आपने फर्स्ट वाले को ही लेना आपने सेकंड से शुरू करना है ये आपको समझा रहा हूं बेटा इसलिए मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया ये देखो ना इसे प्रूफ करके बता दिया अगर आप इस टेक्निक से करोगे या इस टेक्निक से करोगे आंसर सेम आएगा पर ये थोड़ा इजी है टेक्निक ठीक है ओके गाइस आप मुझे बताइए सारे बच्चों टेक्निक है और सुनो सपोज कर लीजिए बेटा सपोज सदी है 15 PR is 2730 5R आप दो ऑप्शंस गिवन है 1 4 3 और नन मान लो ये ऑप्शंस गिवन है 1 4 3 9 अब अच्छा थोड़ा सा भराएगा सर क्या करें यार टेंशन मत लो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं एक हमारे पास क्या ऑप्शन होती है कि आप यहां से वैल्यूज उठा के डालो आर की और चेक कर लो वरना आप एक काम करो कैलकुलेटर निकालो पहले क्या होता है 15 ठीक है अब एक काम करो 15 से 1 कम क्या होता है करो कैलकुलेटर पे मेरे को चोरी हो गई चलो कोई बात नहीं 15 14 13 क्या आंसर है 2730 आ रहा है yes, कितनी बार कर रहा है आंसर आपका 3 है आपको इस केस में ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं आर निकालना है अब देखो 15 14 13 कितनी टर्म्स और कर कर आया 3 तो आर 3 नहीं तो बच्चे ये भी कर सकते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं आर ऑप्शन से उठाया लेट्स टेक आर एस 3 15 पी 3 दैट्स 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 3 फैक्टोरियल तो 15 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल अच्छा ये भी कर सकता है भाई दोनों में से कोई ऑप्शन लगा लो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाली थोड़ी ज्यादा बेटर है बिकॉज़ कैलकुलेटर सीधी हो जाएगी ये आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी 13 12 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल नीचे और ये क्या आंसर ये लीजिए भाई आप सारे मुझे बताए टाइप 1 क्लियर है या हमारा टाइप 1 खत्म है सारे बेटे टाइप 1 एल्जेब्रिक एप्लीकेशन क्लियर यस सर चलो इसका टाइप 2 मैं कल से कराऊंगा आज ही ट्राई करूंगा